और बागोदर के दुर्गा शक्ति मंदिर में ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। नवरात्र के अंतिम दिन महानवमी को यहाँ पूरी श्रद्धा भक्ति और उत्साह से देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की गई और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी बिट्टू ने। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और दुर्गा नवमी में आज माता सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बगोदर के श्री दुर्गा शक्ति मंदिर में और लगातार दिन भर यहाँ मंत्रोच्चारण के बीच देवी माँ की आराधना हो रही है। इस वक्त हमारे साथ आचार्य मुरलीधर शर्मा जी हैं, बताएंगे क्या क्या विशेष होता है नवमी में। नवमी के दिन में दुर्गा पाठ और दुर्गा पाठ करने के बाद में मंदिर के ऊपर तलने में दुर्गा पाठ होता है, इसके नीचे तलने में आकर प्रतिमा की पूजा होती है और दुर्गा की जो प्रतिमा होती है बस सांगो पाग होता है। इसके बाद में इसके हवन की संधि बलि की जाती है। संधि बलि करने के बाद में हवनादि कार्यक्रम होने के बाद में यज्ञ का पूर्णाहुति किया जाता है। खास ध्यान रखा है हमारे साथ पूजा समिति के अध्यक्ष धीरेंद्र गुप्ता मन्नू जी हैं, इनसे जानेंगे कैसा उत्साह है लोगों में और क्या क्या। इस बार पूजा का 101वां वर्ष था, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि काफ़ी धूमधाम उल्लास के साथ कार्यक्रम को मनाएंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की वजह से उत्सव में कुछ कमी रह गई है। फिर भी हम लोग पूरे उल्लास के साथ पूजा को मना रहे हैं। हम बगोदर से हैं, मेरा नाम सोनी जायसवाल है और इस बार दुर्गा माँ से हम मन्नत में यही मांगे हैं कि इस बार कोरोना का संहार कर दे और कोरोना इस विश्व से हमेशा के लिए चला जाए। शक्ति की देवी को सृष्टि का की रक्षा करने वाली देवी भी माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु न सिर्फ अपने परिजनों की सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं बल्कि कामना ये भी कर रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी का संहार हो और अगले साल जब पूजा आए तो लोग बेखौफ होकर पूजा में शामिल हों, मेले में शामिल हों और कोरोना गाइडलाइन या कोरोना प्रोटोकॉल जैसी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना रहे। सहयोगी कैमरा पर्सन पंकज के साथ में बिट्टू, न्यूज़ 11 भारत, बगोदर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।